दोस्तों हिंदी टेक ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं राजदीप और आज हम देखने जा रहे हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत ही बड़े कंप्यूटर्स होते हैं और बड़े कंप्यूटर्स का सुनकर आपके दिमाग में आएगा सुपर कंप्यूटर्स। तो गाइस सुपर कंप्यूटर्स अलग होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, वेदर फोरकास्ट के लिए, क्वांटम फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो यूज़ होते हैं छोटे छोटे टास्क को ज़्यादा अमाउंट में जल्दी जल्दी करने के लिए। तो अगर हम ले छोटे छोटे टास्क, तो बैंक के जो जैसे छोटे छोटे टास्क होते हैं, क्रेडिट कार्ड को प्रोसेस करना, डेबिट कार्ड को प्रोसेस करना, इंटरनेट बैंकिंग के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको प्रोसेस करना। अब अगर आप छोटे कंप्यूटर से इन सब चीज़ों को प्रोसेस करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये सेकेंड्स में लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो इन छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को जल्दी कर पाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है और ये टास्क मेन फ्रेम कंप्यूटर्स करते हैं। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर में कंप्यूटर्स होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं और प्रोसेसर्स की बात करें तो इसके अंदर सैकड़ों प्रोसेसर्स हो सकते हैं और बहुत सारे इनपुट आउटपुट पैनल्स आपको इसमें मिलते हैं। गैस मैंने जैसे आपको बताया कि बैंक्स हैं और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत सारे छोटे छोटे टास्क करती है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करती है। ऐसे में IBM जो कंपनी है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बनाती है। अब आप सोचेंगे कि हम भी उसको अपने घर में खरीद के लाके उस पर गेम खेलें या फिर कोई दूसरे काम करें तो वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, वो करोड़ों तक उनकी प्राइस जाती है। उसके बाद वो गेमिंग के लिए डिज़ाइन नहीं किए हुए हैं, तो आप उस पर गेम नहीं खेल सकते, उस पर आप वीडियो एडिटिंग और दूसरे काम नहीं कर सकते। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बात करें तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी अलग होता है, आप उसमें नॉर्मल विंडोज़ या मैक ये चीज़ें इंस्टॉल नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर की बात करें तो IBM ही इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाता है और भी दूसरी कंपनीज़ हैं जो इनके लिए OS और सॉफ्टवेयर बनाती है। IBM ने पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। गाइस मुझे उम्मीद है कि इससे आपको सीखने को मिला होगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।